ओके, हेलो एवरीवन। आरएमसी कॉन्सेप्ट सीरीज का ये डे थ्री है और आज हम लोग परसेंटेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। काफ़ी बच्चों को इसमें मिथ भी रहता है परसेंटेज के केस में, और एक ऐसी अप्रोच मैं आपको सिखाने जाऊंगा जिसको मैं खुद पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज कहता हूँ, और यही सेम अप्रोच मैंने आपको फ्रैक्शन में भी सिखाई थी अभी। ओके, उसी तरीके से हमेशा याद रखना हर कंप्लीट चीज़। देखिए फ्रैक्शन और परसेंटेज का, देखिए फ्रैक्शन से परसेंटेज का आपस में रिलेशन भी है। अगर मैंने फ्रैक्शन की कंप्लीट वैल्यू को वन बोला था तो फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट परसेंटेज में हम इनटू 100 करते हैं तो वो हो जाती है 100%। ठीक है, तो हम किसी भी कंप्लीट वैल्यू को 100% बोलते हैं। अगर कोई चीज़ 100% से ऊपर जाती है, सपोज अगर कोई चीज़ 100% से 120% जाती है, तो इसको हम बहुत सारे कंटेक्स्ट में बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि ये 20% इंक्रीज हो गया है, हम इसको बोल सकते हैं कि ये 20% मोर, हम इसको बोल सकते हैं कि ये 20% प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, जैसे फ्रैक्शन में वन हुआ करती थी। ओके, और अगर 100% से कोई चीज़ 80% हो जाए तो 80% का मतलब है वो 20% क्या हो चुकी है, डिक्रीज। ठीक है, या 20% क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। ठीक है, तो या 20% क्या है, लेस है। ठीक है, तो याद रखिएगा आज के बाद अगर आपसे ये कहा जाए कि सपोज यू हैव 150 रुपीज़ और 150 रुपीज़ में 20% आपको अगर बढ़ाना है, अगर आपको 20% बढ़ाना है तो 20% बढ़ाना है तो डायरेक्टली उसका 120% निकालना आपसे। इसको कहते हैं पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज। ऐसा मत कीजिएगा कि फर्स्ट यू कैलकुलेट इट्स 20% फिर आप उसको ऐड कर रहे हैं। डायरेक्टली इसका 120% निकालोगे ना तो बेसिकली यू विल, व्हाट यू विल गेट, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल एंड 15 12 इज हाउ मच, 180। डायरेक्टली 180 आ गया। ओके, अदरवाइज आप क्या करते हैं, 150 का 20% निकालते, 30 फिर उसको ऐड करते। इन द सेम वे अगर आपको 150 में 20% लेस करना है तो इनटू 80/100 कर दीजिए। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 120। ओके, तो अगर आपको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो ध्यान रखना पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट्स डू वन क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी हैव दिस ईयर रिजल्ट ऑफ आरएमसी। इस बार आरएमसी दिसंबर 2023 में राजस्थान से हैं आयुष्मान सिंह शेखावत और असम से हैं मोहम्मद फरीन अहमद। मोहम्मद फरीन अहमद का इंटरव्यू भी हो चुका है, इसके इंटरव्यू में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे गए उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। इस क्वेश्चन में फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 पर्सन्स, ये आरएमसी का ही सवाल है, एंड इफ माशाज स्कॉलरशिप इज डबल्ड। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, देखिए इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज ओनली। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में करना क्या है, यहां पर आपको दिया है अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 पर्सन, देर आर 4 पर्सन। सपोज माशा, सपोज पहले हम माशा को ले लेते हैं, सपोज माशा की जो स्कॉलरशिप है वो एक्स है, सपोज एक्स रुपीज। ओके, एंड देन वी हैव मदर्स, मदर की जो स्कॉलरशिप या सैलरी बोल दो वो सपोज वाई रुपीज़ है। ठीक है, देन वी हैव फादर सैलरी ऑल्सो, फादर भी है तो फादर की कितनी है, सपोज हम बोलते हैं जेड रुपीज़ है। एंड देन वी हैव ग्रैंड पास पेंशन, तो मैं जी पेंशन लिख लेता हूँ, जी पेंशन। ठीक है, और जी पेंशन सपोज है हमारी पी रुपीज़, सपोज पी मान लेता हूँ, पेंशन फॉर पी। तो इसमें साफ साफ दिया गया है अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 पर्सन्स, माशा है, उनकी मम्मी है, पापा हैं, एंड ग्रैंड पर्सन एंड ग्रैंड फादर है। ठीक है, सो व्हाट इज गिवन टू यू, अब आपसे कहा गया इफ माशा स्कॉलरशिप इज डबल्ड, तो माशा की स्कॉलरशिप डबल हो जाएगी एंड ऑल दी सारी कैलकुलेशंस आपको करनी है। सो इट्स बेटर कि आप क्या लें, लेट सभी के, क्योंकि बेटा इट्स अ क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज, तो यू कैन टेक एनी वैल्यू, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो और एट द एंड आपको परसेंटेज ही निकालना है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, लेट्स जो टोटल इनकम है फैमिली की, सपोज सबको मिला के उसको मैं 100 मान लेता हूँ, 100 रुपीज़ मान लेता हूँ, तो मेरे लिए कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगी। अब क्या बोल रहा है, मुझसे पहले बोल रहा है माशा की स्कॉलरशिप डबल हो जाए। अगर माशा की स्कॉलरशिप कितनी हो जाए, डबल, एक्स से कितना हो जाए, 2x। ओके, तो उससे होगा क्या, उससे होगा जो टोटल इनकम होगी फैमिली की वो 5% बढ़ जाएगी। 5% बढ़ने का मतलब क्या है, 105 निकालोगे आप, 100 का 105% निकालोगे, डायरेक्टली 105 आ जाएगा। तो ये मज़ा है इस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ से माशा की हो गई 2x, एक्स की जगह 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी इज इक्वल टू, जो इनकम है टोटल फैमिली की 5% बढ़ गई है, डायरेक्टली आई राइट 105।
यहां से क्या होगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और वो एक्स की वैल्यू आपको देखो मैं यहां पर तरीके से बता देता हूं। अगर आप 2x को x प्लस एक्स लिखते हो तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी विल गिव यू हाउ मच, 105। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी की वैल्यू 100 आपने ली थी, सो x प्लस 100 इज इक्वल टू 105, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। क्यों आ रही है बताओ ये 5 रुपीज, क्योंकि आपने वैल्यू ही ऐसी ली है 100 में 5% बढ़ेगा तो 5 ही होगा बेसिकली ना। तो उसी तरीके से आप मदर सैलरी इज डबल्ड वाले केस में आप डायरेक्टली यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हो मदर की। कैसे निकालोगे, फैमिली इनकम विल बिकम 15% ग्रेटर, तो यहां पर y की वैल्यू आ जाएगी 15। आप इसी तरीके से करके देखिएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, y इज नथिंग बट मदर्स इनकम, ओके, या मदर सैलरी, एंड देन यू हैव व्हाट, यू हैव फादर सैलरी इज डबल द फैमिली इनकम 15 25%, तो फादर की कितनी आ जाएगी, फादर का मतलब है द वैल्यू ऑफ z, द वैल्यू ऑफ z यू विल गेट 25। अब आपसे क्या पूछा गया है, अब आपसे पूछा गया है बाय व्हाट परसेंट विल अ फैमिली इनकम्स ग्रो। देखिए फैमिली की जो इनकम है वो कितने परसेंट से बढ़ेगी अगर ग्रैंड पा की जो पेंशन है वो डबल हो जाए। तो अभी तक तो हमें फैमिली की इनकम कितना परसेंट बढ़ रही है वो दी थी, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितनी परसेंट बढ़ेगी, ओके। तो ग्रैंड पा की हमें नहीं पता कि क्या उनकी पेंशन रहेगी, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमारे वी हैव द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ से देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो एज वी नो, ओके, हमें यहाँ से तो मालूम ही है, ओके, तो यहाँ से तो हमें मालूम ही है, एज वी नो दैट वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स, हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100। अच्छा एक्स की वैल्यू आई 5, वाई की वैल्यू वॉज हाउ मच, वाई की हमने इनकम कितनी निकाली थी, 15, यस 15, और देन जेड की 25, तो 15 प्लस 25 प्लस पी इज इक्वल टू 100, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी जाएगी, इट्स गोइंग टू बी 100 माइनस हाउ मच, 100 माइनस 25 15 40, ये हो जाएगा 45। तो कितनी आ गई ग्रैंड पा की पेंशन, 55 रुपीज़। तो अगर आप यहाँ से इंक्रीजिंग परसेंटेज निकालोगे ना तो फैमिली इनकम कितनी बढ़ेगी, इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 55% ओनली। आप चाहो तो उसको ईजिली कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट मैं डायरेक्टली आपको बताना चाहता हूँ अगर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि हो क्या रहा है, जितनी भी इनकम आ रही है, सपोज द इनकम इज 5 रुपीज़, तो कितनी इनकम बढ़ रही है, 5% फैमिली की इनकम बढ़ रही है। अगर माशा का कॉन्ट्रीब्यूशन 5 रुपीज़ का है, अगर बाय द वे मदर का कितना है, 15 रुपीज़ का है, तो कितना बढ़ रहा है उसमें, 15%। इन द सेम वे 25, तो 25%, ओके। सो एट लास्ट आई कैन कंक्लूड, और आइए आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर ग्रैंडफादर की इनकम डबल हो जाए, मैं आपको बताता हूँ, तो ये जगह एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2p कर लेता हूँ, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी थी, 100, ओके। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अच्छा सॉरी, कितना परसेंट बढ़ेगा वो आपसे कह रहा है ना, कितना परसेंट बढ़ेगा अगर ये डबल हो जाए, तो इसको x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी, ओके, यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी इज इक्वल टू 100 था, तो यहां पर अगर मैं 2p कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी तो 100 है, तो 100 प्लस, देखो 2p को मैंने ना ऐसे में लिख सकता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस पी, और x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी की वैल्यू 100 है, और p हमने अभी कैलकुलेट करा 55, तो इनकम कितनी हो रही है, 155 रुपीज़, और पहले इनकम कितनी थी, 100 रुपीज़, तो 100 से 155 बढ़ा तो कितना हो गया, डायरेक्टली यू कैन से इनकम कितनी बढ़ गई, 55%, ओके। सो डू रिमेंबर दिस पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज, और अगर आपको एक पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज आती है ना, तो आप बहुत ईजिली इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया हो। इसी तरीके से अगली सीरीज़ में मिलते हैं, तब तक ले बाय, जय हिंद, all the best.